हर चैप्टर के बीच के अंदर कुछ ना कुछ डेडिकेटेड पॉइंट्स या डिस्कशन पॉइंट्स वो मेंशन किए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, चैप्टर नंबर 10 एथिक्स एंड हया के ऊपर है और इसके अंदर हम लोग मॉरल वैल्यूज को देखेंगे कि किस तरह कवर की जाती है। जैसे ये जो लास्ट यूएस प्रेसिडेंट था जॉर्ज बुश, उसने कहा था एट दिस मोमेंट अमेरिकाज ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक नीड इज हायर एथिकल स्टैंडर्ड। तो एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, यानी उसके ऊपर ये वाला चैप्टर कवर होता है, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर पैसा कमाना चूंकि एक प्राइम इंटेंशन होती है, समटाइम्स उसके अंदर कंपनीज एंड कॉरपोरेशन ये गलती कर जाती हैं, आप कह लें कि ओवर अटेम्प्ट हो जाती हैं मनी मेकिंग के सिलसिले में और एथिकल स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज को बाईपास करती हैं। इसमें हम लोग और चीजें भी टच करेंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गाइडलाइंस और एडवाइस हमें दी गई है, हया का क्या मीनिंग है और मार्केटर्स के लिए उसकी क्या इम्प्लीकेशन है। तो ओपनिंग बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है इसकी, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो, जापानीज एनिमेशन है डेथ नोट के नाम से। तो एनिमेशन और कॉमिक्स और इवन इन जनरल मीडिया के अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप एथिकली बहुत सारी चीजें लर्न भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर इमोरल कंटेंट शो किया जा रहा है तो आप डाउनफॉल की तरफ भी जाते हैं। तो इसी में ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत वेल रिटन और वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एनिमे है स्टोरीज की। इसमें होता क्या है कि ओरिजिनल जो कॉमिक्स हैं उनमें भी और इसके एनिमे में भी, कि एक ये यंग लड़का दिखाया हुआ है, आई FSC गोइंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट समझ लें, लाइट ये कमी के नाम से 17 साल लड़का, वो क्या करता है उसको अचानक ना एक किताब मिलती है डेथ नोट के नाम से, और शुरू में वो देखता है, वो समझता है कि कोई प्रैंक है क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है जी जिसका नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। लेकिन फिर होता क्या है कि आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो बुक उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है, घर पे जाके डिटेल में पढ़ता है, उसके ऊपर बड़ी तफसील से लिखा होता है जी अगर सिर्फ नाम लिखा जाएगा तो 40 सेकंड में बंदा हार्ट अटैक से मर जाएगा, और अगर तफसील लिखी जाएगी कि किस तरह मरना है तो उस तरीके से मर जाएगा। ये कहता है यार किसी ने बड़ी डिटेल में प्रैंक की है। लेकिन फिर क्यूरोसिटी में क्या करता है, इसको होता है कि नहीं मैं चेक तो करूँ ना एक दफा, तो टीवी लगाता है, टीवी पे देखता है एक क्रिमिनल का जिक्र आ रहा होता है कि उसने बच्चों को हॉस्टेज बनाया हुआ स्कूल के, तो ये उसका नाम लिख देता है, और एक्चुअली क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो जाती है 40 सेकंड के बाद। ये बड़ा हैरान होता है, कहता है नहीं जी ये तो कोइंसिडेंस लग रहा है। तो इवेंचुअली जाके फिर क्यूरोसिटी की वजह से शाम को एक और क्रिमिनल के ऊपर चेक करता है तो उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इसको हैरत होती है कि जी डेथ बुक तो रियल है, तो उसके जहन में पहला सवाल आता है कि जो मैंने कत्ल किया है क्या ये मुझे मर्डरर बना रहा है। ठीक है, ये बड़े इंटरेस्टिंग जो है ना एथिकल डिस्कशन है, बल्कि कुरान की बात तफासीर के स्टार्ट में भी यही सवाल आता है कि क्या आप अगर किसी को, किसी शख्स ने किसी दूसरे को कत्ल किया तो क्या उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, अगर उस बंदे को मार देना चाहिए तो उसके बीवी बच्चों का क्या कसूर है। तो ये ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर्स आप लोग अगर सोचेंगे भी गौर करेंगे तो आपको अमूमन डायरेक्टली नहीं मिल रहे होते। इसकी डिटेल क्या है, उसने यानी इवेंचुअली लाइट ने ये डिसाइड किया कि मैं दुनिया से क्रिमिनल्स को मार देता हूँ ताकि दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट काइंड और जेंटल लोग, अच्छे लोग सिर्फ बचे। तो ये हमारे लिए एक फ्यूल फॉर थॉट है कि क्या इस तरह की पावर को या इन जनरल इस तरह की किलिंग करनी चाहिए, क्या पावर अपने हाथ में लेनी चाहिए, राइट क्या है और गलत क्या है। हालांकि वो गलत लोगों को मार रहा है और यही होता भी है कि बाद में पुलिस दुनिया की इकट्ठी होती है, तो कुछ लोगों का यह नजरिया होता है कि वो चूंकि क्रिमिनल्स को मार रहे हैं इसलिए बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या हर्ज है, और कुछ कहते हैं कि नहीं ये भी मर्डर है। और यही सवाल है कि क्या ये किस कैटेगरी या कैपेसिटी के अंदर आप इसको कवर करेंगे, क्या इसको मर्डर में काउंट करेंगे जो इन कॉमिक्स से क्वेश्चन रेज हो रहा है, या आप इसको एक मॉरल लेवल की जो है ना हाइट समझेंगे। तो अगर आपके पास डेथ नोट हो आप क्या करेंगे, ठीक है आपका लाइट ये कमी के बारे में क्या नजरिया है, क्या आपके ख्याल में वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। तो एथिक्स के अंदर यही सवाल जो है ना वो डिस्कस किए जाते हैं, टच किए जाते हैं। एथिक्स कहते ही मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज को हैं। तो इसके अंदर यानी अब सवाल ये है, जैसे जो इशारे लगाए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल इशारों का मकसद क्या है कि ट्रैफिक के ऊपर एक्सीडेंट ना हो, रात के 2 बजे जब सड़क खाली है क्या उस वक्त इशारे की जरूरत है, क्या उस वक्त इशारा काटना ठीक है। अब इस तरह के सवाल जो है ना क्या हम लोगों को उनकी अपनी जजमेंट पे छोड़ दें कि जी आपके ख्याल में जब सेफ हो तो आप जा सकते हैं वरना नहीं जा सकते, या क्या उस वक्त अगर एक्सीडेंट होगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन ना ये बहुत बड़े मैटर ऑफ कंसर्न है, जिसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल खासतौर पर ऑनलाइन पायरेसी में आप देखें तो उसके अंदर भी हद से ज्यादा हो रहा है। 70% लोग
कुछ भी गलत नहीं समझते ऑनलाइन पायरेसी को। दुनिया के तकरीबन 2/3 साइट्स जो है वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अंदर होस्ट हो रही हैं जो डिजिटल पायरेसी की साइट्स हैं, और दुनिया का भी 22% इंटरनेट वो भी पायरेसी के लिए यूज हो रहा है। 42% सॉफ्टवेयर इलीगली डाउनलोडेड होते हैं, और एस्टिमेट ये है कि $2.7 बिलियन की वर्कर्स अर्निंग्स जो है ना वो लूज होती हैं पायरेसी की वजह से, क्योंकि जो लोगों ने हार्डवर्क और एफर्ट से अर्न किया होता है लोग उसको डिजिटली कॉपी करके टोरेंट्स के थ्रू और इस तरह डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन इसमें दूसरे एंड पे कंपनीज के लिए भी इंप्लीकेशंस हैं। समटाइम्स कंपनीज क्या करती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कर देती हैं प्रोडक्ट्स को। माइक्रोसॉफ्ट की जैसे काइंड ऑफ मोनोपोली है एमएस ऑफिस में भी, अब वो जितना एक्सपेंसिव दे रहा होता है $100-150 का, ये किसी भी स्टूडेंट की रीच से ऑलमोस्ट बियॉन्ड है, या एटलीस्ट मेजोरिटी की, कि वो पहले 5-10 हज़ार का कंप्यूटर खरीदे, फिर उसके ऊपर 10-15 हज़ार रुपए का विंडोज लगाए, फिर उस पर 15 हज़ार रुपए का एमएस ऑफिस खरीदे, मतलब ये आपके बजट से बाहर होनी शुरू होते हैं। फिर हर 6 महीने साल के बाद नए एडिशन आ जाते हैं। सवाल ये कि कौन सा एडिशन ऐसा है जो वाकई यूजेबल है। फिर बास कंपनीज क्या करती हैं, अडोबी ने क्या किया है, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो गया। यानी अगर सब्सक्रिप्शन में क्या है कि वो सेल कर ही नहीं रहे अपना सॉफ्टवेयर, पहले सेल करते थे, वो सीडी में दे देते थे, डिजिटली देते थे, अब वो कह रहे नहीं आप हर महीने हमें ना, हम सिर्फ रेंट पे देंगे, आप हर महीने हमें पे करते रहे। और बाद में उसे ठीक है उनके अपने अखराजात हम उस तरह रिकवर कर रहे हैं, लेकिन यूजर के लिए क्या इशू है कि वो अगर 1 मिनट के लिए भी उसने यूज करना है तो उसको पूरे महीने की उनको पेमेंट करनी है, जो भी $20-30 उनकी है पर सॉफ्टवेयर। तो क्या यानी ये वायबल है किसी भी लिहाज से कि आपको 1 मिनट के यूजेज के लिए इतने हजार रुपए उनको देने पड़े? तो मतलब इसमें ना दोनों तरफ ये डिस्कशन हैं कि क्या सही है इसमें और क्या गलत है, इट नीड्स टू बी डिस्कस। लेकिन जो हमारे यहाँ हो रहा है कि 50 रुपए की एक सीडी के अंदर हजारों रुपए के सॉफ्टवेयर जो है ना वो अवेलेबल है फॉर फ्री, वो भी गलत है ऑब्वियसली। तो ये एक यानी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। क्योंकि फिर दूसरा क्या होता है कि बस डिजिटल कंटेंट बनाने वाली कंपनीज बाउंड करती हैं कि जो प्रोडक्ट हमने बनाई है आपने सिर्फ ये खुद यूज करनी है। हालांकि अगर हम गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट, वो एक बंदा खरीदता है, वो चाहे 10 लोग और यूज करें, एक फैमिली के अंदर 5 लोग भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में बाज कंपनीज कहती है नहीं जी आपने खबरदार जो किसी और को दिया। ये भी अगेन क्वेश्चन है कि जब आपने परचेज कर ली एक चीज तो आपकी मर्जी आप वो किसी और को दें या ना दें। लेकिन जाहिर उससे फिर इतनी ज्यादा स्प्रेड भी हो जाती है। मसलन सोनी ने क्या किया था, इन्होंने अपने प्लेस्टेशन नेटवर्क को प्लेस्टेशन 3 के जमाने में अलाउ किया था कि जी अप टू 5 लोग कंप्यूटर पे यूज हो सकता है। तो कई लोगों ने यही काम कर लिया कि 4 या 5 दोस्त मिलके जो है ना वो एक एक गेम खरीद लेते थे ताकि 5 खेल लें। तो अब वो जाहिर यहाँ पे कंज्यूमर थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि जी कंपनी ने जो अब हार्ड अर्निंग की लोग उसके ऊपर खर्च नहीं कर रहे। इसलिए सोनी ने फिर मॉडिफाई करके PS4 की दफा सिर्फ मैक्सिमम 2 यूजर्स के ऊपर रखा है। तो एथिकल बिहेवियर बहरहाल टॉप मैनेजमेंट से शुरू होता है। टॉप मैनेजमेंट जितनी ज्यादा एथिकल है उसका ही इम्पैक्ट नीचे वालों के ऊपर आता होता है। फिर वेरियस डिफरेंट ना मॉरल फिलोसफीज हैं। एक है मॉरल आइडियलिज्म, यानी बाज लोग वो इस कदर मॉरल लेवल्स उनके हाई होते हैं कि वो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखते, उनकी जॉब जाती है या जान जाती है वो केयर नहीं करते होते। ऐसे लोग अक्सर ना विसल ब्लोअर भी बनते हैं। विसल ब्लोअर होते हैं वो लोग जो अगर उनका बॉस भी कोई बेमनी कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, तो वो अनाउंस कर देते हैं, बता देते हैं, इरिस्पेक्टिव के अगेन उनकी उसके बदले में कैरियर हर्ट हो या उनको फेम मिले, डजंट मैटर, वो उनका कंसर्न नहीं होता। लीगल इलीगल उनके ऊपर क्या एक्शन आएंगे वो उसके बारे में इनकंसर्न होते हैं। बल्कि बास कंपनीज बकायदा विसल ब्लोअर्स को रिवार्ड भी करती हैं कि जिसने अच्छा किया कंपनी के अंदर, अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी तो इसने हमारे नॉलेज के अंदर लेके आया। इसी तरह दूसरी एक मॉरल फिलोसफी है यूटिलिटेरियनिज्म। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिलोसफी है। यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर गुड ज्यादा है, अच्छी खैर ज्यादा है, आप उसको वैल्यूएट करें तो आप उसको उस काम को करें, और अगर खैर ज्यादा नहीं है तो फिर उस काम को ना करें। तो इसकी एक एग्जाम्पल यानी ये देख लें कि ये सुनने में आया था कि नेस्ले ने एक दफा को प्रोडक्ट बनाई जिससे बाज बच्चे थोड़ा सा पता नहीं बीमार पड़ रहे थे कि रैशेज पड़ रहे थे। तो जब कंपनी को बाज लोगों ने ब्लेम किया तो उन लोगों ने एडमिट किया कि हाँ हमें भी पता है कि इससे कुछ बीमारी फैलती है, लेकिन हमारी नजर में इसके फायदे ज्यादा थे, ये पता नहीं जाने बचा सकती थी, इसलिए हमने यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो किया है कि थोड़ों का नुकसान हो रहा है लेकिन उसके बदले में ज्यादा को फायदा हो रहा है। तो ये भी यानी दिलचस्प है कि इसमें आप मेजोरिटी की सेफ्टी को मद्देनजर रख रहे होते हैं। और इसी तरह अल्ट्रुइज्म का कंसेप्ट है। अल्ट्रुइज्म क्या होता है कि बाज लोग वो बहुत सेल्फलेस होते हैं, यानी उनको अपनी कंसर्न कम होती है और हमेशा दूसरों की खातिर अपना टाइम पैसा एफर्ट वो लगाने के लिए तैयार होते हैं। जो लोग या कंपनीज इवन अल्ट्रुइस्टिक ज्यादा होती हैं लॉन्ग रन में उनको रिटर्न ज्यादा मिलता है, जो शुरू में हेल्प बिल्कुल सेल्फलेस होकर काम कर रहे होते हैं। अलबत्ता कंपनीज के अंदर एक कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है, क्योंकि बाद अगर रिटर्न के लिए कोई काम कर रहा है तो क्या वो अल्ट्रुइज्म में आएगा? तो अनकंडीशनल मॉरल डिवोशन टू अदर्स को कहा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, अब एथिकली आपको इन जनरल पता होता है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी बड़े बड़े ब्रांड्स की भी एग्जाम्पल मिल जाएगी। नाइकी इतना बड़ा शूज का ब्रांड है, लेकिन उसके बारे में आता है उसको अक्सर एक्टिविस्ट ग्रुप्स ने अटैक किया है 1970s, लेकिन वो स्वेट शॉप्स को एक्सेप्ट करता है। स्वेट शॉप कहते हैं, जिनको नहीं पता कि बहुत ही पुअर अनएथिकल कंडीशंस के अंदर जिस जगह पे काम हो रहा हो, जो बहुत ही गरीब ममालिक हैं बाज, उनके अंदर लोग बहुत कम अमाउंट में भी पे करने के लिए विलिंग और काम करने के लिए विलिंग होते हैं। तो इनके ऊपर आई थी इस तरह की बहुत सारी कि जो अफ्रीका वगैरह के अंदर बहुत लोगों को ये यूज कर रहे हैं, जबकि कंपनी का एक क्लेम है कि हमने तो शुरू से कोई जूता बनाया ही नहीं, तो हम तो सिर्फ आउटसोर्स करवाते हैं। इस हद तक अभी इनका एक्शन जस्टिफाइबल है, ये मतलब एक अगेन अनदर डिस्कशन है। और इस तरह कोका कोला ने दसानी मिनरल वाटर लॉन्च किया है यूके वगैरह के अंदर, और एक और पॉच एक ग्रुप है, इसने अटैक किया कि जी ये सिंपल वाटर है, मिनरल वाटर नहीं है, टैप वाटर है जो उन्होंने बोतल के अंदर डाला हुआ है। और कंपनी ने भी एडमिट किया कि हाँ जी वाकई ऐसा ही है, और हम हमारे ख्याल में तो ये ठीक है, इसमें क्या हर्ज है। तो अब ये देखेंगे लोगों को, यानी आप खुद देखें कि क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है या उनको एक्चुअली कोई चीज बेची जा रही है कि मिनरल वाटर के नाम पे टैप वाटर उनको सेल कर रहा है, वो बिकोप जैसा ब्रांड। तो इस तरह यानी वेरियस डिफरेंट जो है ना वो ऑप्शन और डिस्कशन आती होती है। सीएसआर का कंसेप्ट है जो कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की जो एथिकल स्टैंडर्ड है उनके लिए, या ये कि सोसाइटी के लिए, एक कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही होती है इसलिए उसको इनकरेज किया जाता है तो वो अपने सीएसआर को भी प्रैक्टिस करें। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर करती है कि वो बहुत एक्टिवली अग्रेसिवली उसमें वो करें। इसमें एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरेस्टिंग नावल है लिखा हुआ, लोकल ऑथर का, निम्र अहमद का। आई वुड रिकमेंड कि आप में से जिन लोगों को टाइम मिले ये पढ़ना चाहिए, हालांकि काफी लेंथी है, बट आई थिंक अगर नावल रीडिंग में इसमें काफी बेनिफिशियल है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और हया के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत दिलचस्प रहती है। एनीवे, बाकी डिस्कशंस के अंदर क्या आता है, अब फॉर एग्जांपल वेरियस डिफरेंट गाड़ियों के बारे में है कि गाड़ियां ज्यादा साउंड प्रूफ होनी चाहिए, किस हद तक कंपनी ध्यान करती होती हैं। फिर डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर ये आता है, एक फ्रेंच मुस्लिम था, उसने अपने बेटे को कहा, ये पोस्ट सितंबर 11 इंसिडेंट में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो उसमें उसने ना बच्चे को कहा कि जी कोक जो है ना बैन है, आइंदा से जो है ना कोक नहीं पीनी। कहता मेरे बेटे ने एग्री किया, उसने कहा जी आप मुझे अल्टरनेट दे दें, मैं कोक नहीं पीऊंगा। कहता उससे मेरे जेन में आइडिया आया कि कोई अल्टरनेट ब्रांड होना चाहिए। तो उसने फिर मक्का कोला लॉन्च किया 2002 में, और इवेंचुअली वो कोई 50 के करीब कंट्रीज के अंदर गया, और जो कि प्राइमरीली सोशल काजेस को भी बहुत ज्यादा इंकरेज करता है। तो और इसी तरह पेप्सी ने फॉर एग्जांपल रिसेंटली लॉन्च की थी एक कैंपेन कि जितनी भी आप हमारी बोतलें खरीदेंगे उसके बदले में हम किसी की लाइफ को जो है लाइट करेंगे, हेल्प लाइटन, वो 1 रुपया जो है ना हम देंगे उसके अंदर, 1.75 लीटर की हर बोतल परचेज करने। तो एक फेमस पाकिस्तानी एक्टर है हमजा अली अब्बासी, उनको भी उन्होंने यूज किया उस कैंपेन में, 2016 में भी रिलॉन्च की कैंपेन। इसी तरह WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, वो भी बाज औकात अपने सुपरस्टार्स वगैरह को यूज करते हैं इस तरह के कम्युनिटी वर्क्स के लिए। और ये जारा शाहजहां ने भी कैंपेन एक रन की थी, आई मेड इट कैंपेन, के जो वर्कर हमारा काम कर रहा है उनको भी प्रमोट किया जाए, कारीगर तक भी जो है ना एडवांटेज और बेनिफिट जाना चाहिए। तो अपने इंस्टाग्राम पेज वगैरह के ऊपर उसने उन लोगों को इनकरेज किया। इसी तरह पाकिस्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही होती है, और इनके फेसबुक पेज देखने वाले उस पर ये बहुत ओपनली जितनी भी हैजर्डस चीजें हैं, जैसे बाल्स की आइसक्रीम है, टैंग है जूस, और जो भी आर्टिफिशियल आइटम्स बिल्कुल केमिकल से बनी होती है, उनके बारे में बहुत ओपनली लिख देते हैं कि ये चीजें ठीक नहीं है, डब्बे का दूध है, या जो भी, कि आप नेचुरल आइटम्स के ऊपर ज्यादा मूव करें। तो इस तरह के एथिकल इश्यूज बहुत मतलब डिटेल डेप्थ डिस्कशन है, एक एक फील्ड के अंदर जो है ना वो डिफरेंट चीजें हैं जिनको आप ब्राउज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयज के अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी ट्रेनिंग जरूरी है कि गाइड किया जाए कि किस स्टेप पे किस मौके पे आपको क्या एक्शन क्या डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब दिलचस्प कुछ सवाल आते हैं, क्योंकि हर सवाल का आंसर बारल रिटन में नहीं होता। मॉरल लेवल्स को अपने रेज करने के लिए ना ये चंद मॉरल टेस्ट क्वेश्चंस हैं। एक फॉर एग्जांपल पब्लिसिटी टेस्ट है, इसमें क्या होता है कि आपका जो एक्शन है वो अगर पूरी दुनिया को पता चल जाए आ मुझे, तो आपको खुशी होगी या शर्मिंदगी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मॉरल मेंटर टेस्ट है कि आप जिस इंसान को अपना रोल मॉडल समझते हैं वो अगर इस सिचुएशन में होता तो वो क्या करता, या वो अगर आपको देख ले इस हालत में, लेट्स से आपके रोल मॉडल हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या आप जो भी एक्शन ले रहे हैं कंपनी के लिए, प्रमोशन का कर रहे हैं या व्हाटएवर, वो उनको पता चल जाए तो वो क्या आपसे इंस्पायर होंगे, खुश होंगे, आपकी तारीफ करेंगे, या आप उनका आपको उनके सामने शर्मिंदगी होगी।
ठीक है, ये एक और टेस्ट है जो आप किसी भी सिचुएशन में अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड टेस्ट जी ट्रांसपेरेंसी टेस्ट, कि क्या आपने जो कुछ भी किया वो आप किसी एक न्यूट्रल जज को, एक फेयर जज को बता के पूरी ऑनेस्टी के साथ कन्विंस कर सकते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो ठीक है। और फाइनली है गोल्डन रूल टेस्ट, कि जिस तरह आप दूसरों को ट्रीट करें क्या दूसरे भी आपको इस तरह ट्रीट करें तो आपको खुशी होगी। ये वेरियस डिफरेंट यानी टेस्ट हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं जानने में कि आप जो एक्शन लेने लगे हैं वो ठीक है या गलत। ठीक है, ये तो थी ब्रीफ एथिक्स के ऊपर डिस्कशन। इस पॉइंट से ऑनवर्ड अब हम लोग टच करेंगे टॉपिक ऑफ इस्लाम हेयर एंड मार्केटिंग। इससे पहले इसके स्टार्ट में जो डिस्क्लेमर भी मैं दे दूं कि ये जो पोर्शन है ना, ये काइंडली अमल की इंटेंशन से सुनेंगे तो इंशाल्लाह बेनिफिट ज्यादा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला उन लोगों की हालत नहीं बदलते जब तक वो अपने आप को, जो कुछ उनके अंदर है यानी अपने दिल को, उसको चेंज करने की, अपने इंटेंशन को चेंज नहीं करना चाहते। तो अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेंगे तो जाहिर है इन बातों को बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन होगी तभी आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले अल्लाह पर ताला की जात का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आजकल के दौर में ये हो रहा है कि हम लोग जिस इरा में रह रहे हैं उसमें हर वक्त दुनिया का तस्करा है लेकिन आखरत का और रब का वो तस्करा नहीं रहा जो आज से चंद साल पहले हुआ करता। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन आसमान बनाया है, इसमें अमूमन मशहूर यह है कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे ज्यादा नमाज का हुक्म दिया है, और इसमें कोई शक नहीं कि तकरीबन 700 आयात के अंदर नमाज पढ़ने की ताकीद की गई है, जो कि और इबादत के अंदर सबसे ज्यादा हुक्म यही दिया। अलबत्ता कुरान की 1000 आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी अजमत और बड़ाई और अपनी निशानियों की तरफ बुलाया है और गौर व फिक्र करने की दावत दी है। तो ये ज्यादा अहम है कि हम जिस तरह इस चीज पर टाइम लगाते हैं, हम टाइम इन्वेस्ट करें, सोचें, गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने ये जो इतनी बड़ी कायनात बनाई है ये किस लिए बनाई है। इसका हम लोग आम जिंदगी में इन चीजों का तस्करा नहीं करते, वरना जमीन का अपना इक्वेटर 40,000 किलोमीटर है तकरीबन, यानी अच्छा खासा फासला है, और रोशनी इतनी तेज चलती है कि 1 सेकंड में वो पूरी जमीन के 7 चक्कर काट ले, क्योंकि वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे चलती है। और सूरज हमारी जमीन का इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1.3 मिलियन यानी 13 लाख जमीनें डाली जा सकती है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे सूरज के साइज का आप अंदाजा लगाएंगे कितना बड़ा है। मजीद दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर हमारे सूरज से भी कई कई गुना बड़े सारे तख्लीक किए हैं। तो बास तारे ऐसे हैं जिसमें करोड़ों सूरज हमारे आ सकते हैं, बल्कि अरबों सूरज आ सकते हैं। फिर ब्लैक होल्स हैं, वो उससे भी बड़े और कंडेंस्ड हैं, बल्कि कि वो उससे भी ज्यादा ताकत लेते हैं, रोशनी को भी अपनी बाहर नहीं निकलने देते, अपनी सरफेस को भी अपने अंदर क्लैश कर लेते हैं, इंतहाई कंडेंस्ड मैस होता है। और फिर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी यानी कायनात बनी है कि हमारे सूरज से सिर्फ 20 लाइट ईयर्स इधर उधर देखें, यानी लाइट ईयर इतना फासला है कि रोशनी जो इतनी तेज चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चलते हुए, वो 1 साल में जो फासला कवर करेगी, तो ये तकरीबन 95 खरब किलोमीटर बनते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है जो आप आम लाइफ में ना हम समझ सकते हैं ना उसको परसीव कर सकते हैं। तो रोशनी स्पीड के ऊपर चलती है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ये ब्रीफली यहाँ पे भी नजर आ रही है, इसका पूरा एज इतना बड़ा है कि आप अगर रोशनी यहां से चलना शुरू करे और यहां तक जाना चाहे तो रोशनी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे चलते हुए ये डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 लाख साल चाहिए। ठीक है, इमेजिन करें यानी कितनी बड़ी सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी है, और इसके अंदर यानी अरबों की तादाद के अंदर सितारे मौजूद हैं। अगली डिस्कशन फिर ये है कि आज से 100 साल पहले तक इंसान ये समझता था कि यही टोटल यूनिवर्स है, कुल कायनात यही है। लेकिन अब फिर क्या हुआ कि एक अमेरिकन था हबल, उसने अपने टेलीस्कोप से देखा, उसे छोटे बड़े बाद ब्राइट स्टार्स नजर आए। तो शुरू में वो यही समझा कि ये भी दूर के कुछ तारे हैं, लेकिन उसने रियलाइज किया इवेंचुअली कि वो तारे नहीं है बल्कि वो हमारी मिल्की वे जैसी और गैलेक्सीज हैं। रिजल्ट क्या हुआ है कि इस वक्त इंसान ऐसी कई और गैलेक्सीज डिस्कवर कर चुका है अरबों की तादाद के अंदर। ये इतना बड़ा साइज है कि ह्यूमन माइंड परसीव नहीं कर सकता कि पूरी कायनात है कितनी बड़ी। और दिलचस्प बात यह कि बाद रवायात के अंदर आता है कि ये हजरत इसरा फील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन जो सूर फूकेंगे उस सूर के पीछे एक सुराख है जिससे वो फूंक मारेंगे, और उसके आगे छोटे बड़े कई सुराख हैं। तो उनमें से जो सबसे छोटा सुराख है वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर से ये पूरा यूनिवर्स वो गुजारा जा सकता है। क्या नॉन यूनिवर्स, क्या डिस्कवर्ड यूनिवर्स, और क्या टोटल यूनिवर्स। तो इमेजिन करें कि हम इस जमीन का अहाता नहीं कर सकते, ये जमीन कितनी बड़ी है, इससे 13 लाख गुना बड़ा हमारा सूरज है, इस सूरज से करोड़ों गुना बड़े और सितारे मौजूद हैं,
और उस सूरज से उन सितारों से भी कई गुना बड़ी कहकशाएं हैं, फिर उन कहकशाओं को पूरे यूनिवर्स में जो छाई हुई हैं, उस पूरे यूनिवर्स को जिस सुराख से गुजारा जा सकता है वो सूर, वो सुराख कितना बड़ा होगा, वो सूर कितना बड़ा होगा जो उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो फरिश्ते खुद कितने बड़े होंगे, और जिस अल्लाह ने उस फरिश्ते को पैदा किया है वो अल्लाह कितने बड़े, अल्लाह अकबर। इमेजिन करें कि हमें अल्लाह तबारक व तआला कितने बड़े हैं, हमें इस चीज़ का इदराक नहीं है, ये इंतहाई अहम चीज़ है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से मोहब्बत कितनी करते हैं, अल्लाह तआला ने इंसान के लिए किस कदर नेमतें बनाई हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहिब के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना इंसान से खिताब किया, कुरान में भी आता है मफहूम ओवरऑल पूरी बात का यह बनता है कि ऐ इब्ने आदम, ऐ बिनते हव्वा, ये तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों अपने ऊपर जुल्म करते हो, हालांकि एक वक्त था कि तुम्हारा वजूद ही नहीं था, फिर मैंने तुम्हें तख्लीक किया, मैंने तुम्हें पानी से पैदा किया, फिर उस पानी को खून बनाया, फिर उस खून के बाद अज्जा को गोश्त बनाया, फिर उस गोश्त के बाद अज्जा को हड्डी बनाया, फिर मेरा हुक्म हुआ तुम्हारी कामिल शक्ल सूरत बनी, फिर मेरा हुक्म हुआ तुम्हारी आंतें फैली, फिर मेरा हुक्म हुआ तुम्हारे अंदर रूह पड़ी, इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा माबूद है, क्या अल्लाह के सिवा कोई जात है जो तुम्हारे अंदर रूह डाल के दिखाए, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा हुक्म हुआ तुम्हारी कामिल शक्ल सूरत बनी, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, अल्लाह ताला कहते हैं इंसान को हमने बेहतरीन सीरत के ऊपर तख्लीक की है, फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मेरा हुक्म हुआ तुम इस दुनिया के अंदर आए, फरिश्तों ने पर बिछा के तुम्हारा इस्तकबाल किया, हालांकि जब तुम पैदा हुए फिर तुम इस कदर कमजोर थे, तुम इस कदर बेबस थे, कायनात में सबसे बेबस वो इंसान का बच्चा होता है कि जब उसकी पैदाइश होती है वो अपनी एक भी जरूरत पूरी करने में कादर नहीं होता, यही अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि तुम्हें भूख लगती थी तो तुम रोते थे, तुम्हें ठंड लगती थी तो तुम रोते थे, तुम बीमार पड़ते थे तो तुम रोते थे, एक रोने के सिवा तुम्हें काम कोई नहीं था, क्योंकि तुम अपनी किसी एक ख्वाहिश का जरूरत का इजहार तक कर नहीं सकते थे, फिर मैंने तुम्हारे ऊपर कर्म किया कि तुम्हारी माँ और बाप के दिलों के अंदर तुम्हारी मोहब्बत डाल दी, माँ ने सुबह शाम अपने आराम कुर्बान किए, बाप ने सुबह शाम तुम्हारे लिए कमाइयाँ की, और नतीजतन तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुम्हें एक एक लुकमा बना के तुम्हें खिलाया, तुम्हारी खातिर इतनी कुर्बानियां दी, तुम्हें एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ बोलना सिखाया, और बिलाखिर वो वक़्त आया कि तुम मेरी करोड़ों नेमतों में परवान चढ़े और तुम खुद चलने लगे, तुम खुद बोलने लगे, तुम खुद खाने लगे, तो वो वक़्त आया और तुम फिर मेरे ही नाफरमान हो गए, तो ऐ इब्ने आदम, ऐ बिनते हव्वा, ये तुम्हें क्या हुआ, अब तुम अभी भी लौट के मेरे पास आ जाओ मेरी तरफ, बेशक मैं बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान करता हूँ। ये पैगाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है कि तुम अपने रब से मोहब्बत करो, अल्लाह तबारक व तआला उससे ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला कहते हैं मेरा बंदा रूठ के आ जाता है मेरी तरफ वापस, अल्लाह ताला हद से ज्यादा खुश होते हैं, फरिश्तों में ऐलान करते हैं, उसकी जो है ना खुशियां मनाते हैं अल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह ताला ने एक एक लुकमा एक एक नवाला जो हम तक पहुँचाया है वो हमारी हमारे नफे के लिए, हमारी जात को हम इससे अंदाजा लगाएं, हमने खाते हुए कभी इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं किया, लेकिन जब एक मुर्गी ज़िबा होती है वो भी एक ज़ीरू है, उसकी गर्दन के ऊपर छुरी चलती है, उसकी भी रूह जुदा होती है, और उसके बिलमुकाबिल इसी तरह जब एक बकरे को ज़िबा किया जाता है वो भी अगेन ज़ीरू है, उसका भी उसकी जब गर्दन कटती है उसको वही तकलीफ होती है जो इंसान को अगर इंसान की गर्दन कटे, उसकी खाल जुदा कर दी जाती है, उसका भी सांस उखड़ता है, उसका भी जिस्म तड़पता है, और हम उसके गोश्त के ऊपर टोके चला के उसके गोश्त को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसको तपते हुए तेल के अंदर पका के हम अपने दांतों में चुबा के अपनी एक वक्त की भूख मिटाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको हमारे लिए हलाल किया। तो क्या हमने इस चीज को पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने एक जीरू को हमारी सिर्फ एक वक्त की भूख मिटाने के लिए कुर्बान किया? क्या हमने गौर किया कि हमने जिंदगी में कितनी नेमतें इस्तेमाल की, हमने अपनी जुबान से कितने अल्फाज अब तक अदा किए, हमारे कानों ने अब तक कितने जुमले सुने अपनी जिंदगी के अंदर, हमारी आंखों ने अब तक कितने लम्हे देखा? तो इन चीज़ों के ऊपर हम अल्लाह तबारक व तआला के मशकूर हों कि जिस ज़ात ने हमें तख्लीक किया है हम उसके लिए, अल्लाह ताला ने अभी बहुत महदूद चीज़ें हमें बताई हैं और हमें नमूने के तौर पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दी है कि हम उनकी ज़िंदगी की पैरवी करें। तो इस्लाम अगरचे कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ है लेकिन इसका जो खुलासा है, इसकी समरी, वो इन चंद चीज़ों के अंदर मिल जाती है कि इंसान एक तो इबादत, दूसरी चीज़ ज़ुबान की हिफाजत, और तीसरी चीज नजरों की हिफाजत। जिसने ये तीन चीजें कर ली उसे खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जमानत दी है। तो अगर कोई आइडियली सारा कुछ करना चाहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूं समझे कि 95% दीन बस इन तीन चीजों ही में कवर हो जाता है।
इबादत, इसमें नमाज की इस कदर अहमियत है, इस कदर अहमियत है कि यही देख लें कि अल्लाह ताला का दिया हुआ हुक्म एक दफा काफी है, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने 700 मरतबा उसको एम्फसाइज किया है। हमें सहाबा किराम की जिंदगी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिसालें मिलती हैं। हजरत उमर फारूक को जब खंजर मार के एक शख्स चला गया, उस वक्त नमाज पढ़ाए थे, तो उन्होंने पीछे बढ़ के गालिबन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, उनको आगे किया, उन्होंने नमाज पढ़ाई। हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है, तीन बर आजम पे इतनी अफजल हस्ती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, और वह सामने बड़े तड़प रहे हैं, लेकिन सहाबा में से किसी ने भी सलाम फेर कर उनको नहीं देखा। नमाज पूरी 2 रकत उन्होंने पढ़ाई फजर से फारिग होने के बाद, फिर उन्होंने देखा अमीरुल मोमिनीन। तो ये यानी नमाज की अहमियत है किस कदर। फिर जुबान की हिफाजत, खास तौर पे जुबान की हिफाजत में सबसे ज्यादा मुस्तहिक हमारे पेरेंट्स हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में यहाँ तक कह दिया है कि उफ तक ना कहो। एक साहबी ने उसकी तशरीह में कहा कि अगर उफ से भी कोई कम लफज होता अल्लाह ताला वो भी इरशाद फरमा देते। कहते हैं कि वालदैन की तरफ तिरछी निगाह से देखना भी गुनाह है, वालदैन का इस कदर अदब है। बहुत से वाकयात आते हैं कि जो शख्स वालदैन का फरमा बरदार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक को कहा था कि अवैस से दुआ करवाना अपने लिए, करण के कबीले में एक शख्स है, तो हजरत उमर फारूक हैरान हुए कि मैं सहाबी हूँ, मैं ताबी से दुआ के लिए कहूंगा। तो आप ने शायद फरमाया कि अवैस ने अपनी माँ की वो खिदमत की है कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है उसके हाथ नीचे होने से पहले पहले अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल कर लेते हैं। तो ये इसलिए यानी तो हजरत उमर फारूक हजरत अली को अपने साथ रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लेके गए कि और जाके हजरत अवैस से कहा कि हमारे लिए दुआ करो। तो ये यानी वालदैन की खिदमत के इस कदर मनफियात हैं। उसके बिलमकाबिल एक सहाबी का वाक्य आता है कि वो माँ के फरमाबरदार नहीं थे, तो आप ने उनके जनाजे पे कहा कि जो शख्स, वो तो उनकी वालदा ने माफ कर दिया, मैंने आप ने उनके जनाजे पे कहा था कि यानी मफहूम उसका ये है कि फरिश्तों की लानत हो वालदैन के नाफरमान के ऊपर, कायनात की लानत हो सारी की, उस शख्स की ना नमाज कबूल है ना रोजा कबूल है जिसके जिसको अपने वालदैन को सताए। तो इस कदर जो है ना वालदैन का अदब वो आजकल कम होता जा रहा है, इसका इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज है नजरों की हिफाजत। हया दीन का इतना अहम जुज है, अगर हया ना रहे तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। एक जानवर, एक कुत्ते को भी कोई सेंस नहीं है, ना वो लिबास पहनता है ना ही उसके यहाँ निकाह का कोई कंसेप्ट है। और मगरिब में भी यही हो रहा है कि चूंकि वो लोग कुत्तों को बहुत ज्यादा पालते हैं, तो इंसान जिस चीज की सोहबत में रहता है उसका असर और रंग पकड़ता है, तो उसमें यही हो रहा है कि उनके यहाँ इन दोनों चीजों का कंसेप्ट वो बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। ना उनके यहाँ कपड़े पहनने का कंसेप्ट रह रहा है और ना उनके यहाँ निकाह का कंसेप्ट। ये हया कितनी अहम चीज है, एक इंसानी माशरे की इसके ऊपर किस तरह फाउंडेशन होती है। इसी यहीं से हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 में, हमने कंसेप्ट पढ़ा था नीड ऑफ नीड का। तो नीड ऑफ माइंड एंड हार्ट, दिल इतनी अहम चीज है। आप ने शायद फरमाया कि दिल जिस चीज को चाहता है ना इंसान वही एक्शन ले रहा होता है, और माइंड इंसानी जहन क्या सोच रहा होता है हर वक्त, माइंड की नीड है टू थिंक, ठीक है, इससे रहा नहीं जाता सोचे बगैर। तो अगर आप इसको पॉजिटिव कंटेंट फीड करेंगे तो माइंड चलेगा, उसको बेनिफिट होगा। और इसके बिल मुकाबिल इसी तरह हर्ट की नीड क्या, टू डिजायर, ये तलब करता है, रगबत करता है, लव करता है। इसको अगर कोई पॉजिटिव चीज देंगे मोहब्बत करने के लिए, इंटरेस्ट के लिए, तो ये सही डायरेक्शन में चलेगा। इसको अगर गलत कंटेंट फीड करेंगे, गलत चीजों की तलब करेंगे, तो जाहिर है वही चीजें नेगेटिव माइंड थिंकिंग भी बनेगी और हर्ट थिंकिंग बनेगी, इंसानी एक्शन जो है वो फिर गलत चीजों की तरफ जा रहे होंगे। यहां से हम आते हैं हया के कंसेप्ट के ऊपर। तो दोनों चीजें हया के अंदर कवर होती हैं, फिजिकल भी और इमोशनल हिजाब भी। इन दोनों की हम लोग ब्रीफली डिटेल टच करते हैं। इसके अंदर एक जेंडर डिफरेंस भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को, औरत और मर्द के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क ही ये है कि औरत के अंदर अल्लाह ताला ने हया रखी है, और दूसरा ये कि औरत को अल्लाह ताला ने हुसन के नमूने के तौर पर तख्लीक किया है। लेकिन इसीलिए उसके लिए पर्दे का हुक्म भी, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि औरत को अल्लाह ताला ने एक सिंबल ऑफ ब्यूटी के तौर पर तख्लीक किया है। तो इसीलिए ये जो वेस्ट में हो रहा है, जो मार्केटिंग के अंदर इशू है एक बहुत बड़ा, कि औरत के जिस्म को, उसकी ब्यूटी को वो ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा होता है औरत को, कि उसको सिर्फ चीजें बेचने के लिए यूज किया जा रहा है, कि लोगों को ये ब्यूटी दिखा के हम अपनी चीज बेचने। तो ये चंद रिकमेंडेड फेसबुक पेजेस वगैरह भी हैं पॉजिटिव कंटेंट अपने आप को फीड करने के लिए, अपने माइंड को पॉजिटिव चीजें देने के लिए। तो अगर आप कुछ अर्सा पहले देखें तो इवन लग्जरी ब्रांड में भी आपको मिलेगा कि लोग अपने आप को प्रॉपरली कवर रखते थे। 100 साल पहले तक फुल कवरिंग का कंसेप्ट था, लेकिन ये सिर्फ रिसेंट चंद सालों में हुआ है कि बहुत स्पीड में चीजें डिजोल्व होने लगी। तो फिजिकल हिजाब क्या होता है, आप लोग कह लें इसके अंदर उर्दू में वर्ड 70 का यूज होता है। वेस्ट में तो ये है कि न्यूड और नेकेडनेस का कंसेप्ट ही बिल्कुल डिजोल्व होता जा रहा है, चूंकि तो उनके यहाँ ये चीजें यानी खत्म हो रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि अल्लाह ताला ने लिबास को नाजिल क्यों किया, पहली चीज ये कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स को ये कवर करता है, तुम्हारे सतर को ढांपता है,
और दूसरी चीज अल्लाह ताला ने बताई है कि हमारी आउटलुक को भी एनहेंस करता है, ग्रेस करता है। तो ग्रेस इंसान की बढ़ाता है, दूसरी चीज सेकेंडरी दर्जे में, और पहली चीज ये कि आपकी बेस को उसको कवर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें अमूमन ये हो रहा है कि लोग किसी एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। बाद लोग ये ज्यूम करते हैं कि बस हम कुरान हदीस सिर्फ पढ़ें और लेटेस्ट चीजों में ना पढ़ें, और बाद लोग सिर्फ लेटेस्ट चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। वो समझते हैं कि कुरान नाउजुबिल्ला पुरानी किताब है, ये आजकल के दौर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो ये बिल्कुल फासिद नजरिया है, क्योंकि जिस जात ने तख्लीक किया है उसका अपना कलाम है कुरान अल्लाह ताला का। तो हमें दोनों चीजों का ना वो मर्ज करना है। ये बहुत दिलचस्प कौल है सैयद अबुल हसन नदवी का, इंडिया के बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो उन्होंने ये बहुत दिलचस्प बात की है कि आप वेस्ट की भी जो तरक्की है उसमें से भी जो अच्छी चीजें हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल लें, और जो हमारी अपनी चीज रवायात है, रिलीजन है, सारी चीजें उनके साथ मर्ज करें, उसको रीबिल्ड करें, रिक्रिएट करें कोई नई चीज जो मॉडर्न इरा में भी चले, और पास की चीजों को भी जो इम्पोर्टेंट है मैंडेटरी है उनको लेके जाए। तो फिजिकल हिजाब या औरा या सत्तर का वर्ड यूज होता है, वो उससे मुराद होता है बॉडी पार्ट्स जो अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिए हैं कि अपने आप को हाइड करें। तो इसके अंदर डिफरेंसेस है, मर्द का सतर क्या है कि घुटनों से लेके नाफ तक कम्प्लीटली कवर होना चाहिए, और एक औरत का सतर क्या है। औरत के सतर के एक्चुअली मल्टीपल लेवल हैं, डिपेंड करता है वो किसके सामने है। नमाज में औरत का सतर और है, उसमें अपने बाल भी उसको ढांपते हैं, उसने अपने बाजू भी फुल कवर करने हैं और टखने भी ढांपने। लेकिन जब बाहर है गैर महरम के सामने है तो अपने आंखों के अलावा बाकी पूरी बॉडी कवर करनी है, और अगर फैमिली मेंबर्स के सामने है तो बाल भी खोल सकती है, बाजू भी खोल सकती है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फोर लेयर्स हैं रफली स्पीकिंग, ये टेबल 10.1 के अंदर दी हुई है। फर्स्ट लेवल निकाब जिलबाब है जो गैर महरम के सामने है बाहर जाने पे। ये तमाम चारों मसलकों में भी और तमाम तफासीर के अंदर भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि मोर रिसेंटली पिछले 10-15-20 सालों में बाद लोगों ने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन डालने शुरू कर दिए हैं और ये कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ हिजाब मैंडेटरी है, उस वजह से ये कन्फ्यूजन आनी शुरू हुई है। हिजाब है नमाज का सतर, और इन रेयर केसेस जैसे एक औरत 55 साल से भी बूढ़ी हो गई है या एक गैर महरम जो घर में परमानेंट रहते हैं वहां पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हिजाब की है। फिर थर्ड लेयर आप समझे कि महरम रिलेटिव्स के सामने फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी है इससे भी ज्यादा, और इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड ऑब्वियसली और अगर कंसेप्ट जीरो पे चला जाता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई और एक कह लें लेयर्स हैं, लेवल हैं डिफरेंट। फिर इसमें और दिलचस्प चीजें हैं, पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी वेस्ट ने, यूके ने, उन्होंने कहा था कि क्या कोरोना वायरस दुनिया को मुसलमान बना रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, दुनिया के अंदर पब्स बंद हो गए, ठीक है, जितने भी डेटिंग काउंटर्स हैं वो बंद हो गए, और फेस कवरिंग को जो लोग कहते थे निकाब को बाज मुल्कों ने, फ्रांस ने, चाइना ने बैन करना शुरू कर दिया जी, कि जी पब्लिक सेफ्टी के लिए जो है ना वो मुंह कवर करना डेंजरस है। और जब कोरोना वायरस आया तो अब सारी दुनिया के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं कि जी अपने चेहरे को कवर करें, ये पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। कितनी दिलचस्प चीज है कि जो चीज वो उलट कह रहे थे वही चीज, इधर हम मुसलमान है गैर महरम को हाथ नहीं लगाता, ये चीज भी वेस्ट में मायूब समझी जाती थी, अब कोरोना की वजह से सब लोग जो है ना वो गैप क्रिएट कर रहे हैं। तो वो सब जो है ना सिर्फ नियत इंटेंशन की है कि अल्लाह ताला की तरफ से, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला चाहें तो वो एक इतनी सी चीज से सारी दुनिया को ताबेदार बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है कि हम अपनी मर्जी से क्या एक्शन लें। ये भी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वर्थ वाचिंग, सिर्फ 2 मिनट की। दूसरी चीज जो बाज लोग नहीं समझ पाते वो कहलाती है इमोशनल हिजाब। इमोशनल हिजाब क्या है? फिजिकल हिजाब में हमने डिस्कस किया था कि ड्रेसिंग को किस तरह कवर करना है। इमोशनल हिजाब में आपकी जो कन्वर्सेशन है, क्या गैप आपको रखना चाहिए कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन के अंदर, उसको इमोशनल हिजाब कहा जाता है। आप जिस तरह एक सेम जेंडर के साथ बातचीत कर सकते हैं या महरम रिलेटिव्स के साथ, वो आप इसके अंदर नहीं कर सकते। तो गैर महरम के साथ मसलन कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है एक तो नजरों की हिफाजत का, इसको आप आसान लफ्जों में लूज ट्रांसलेशन ये होती है कि नजरें नीची रखनी चाहिए गैर महरम के सामने, गैर महरम के सामने परफ्यूम नहीं लगाना, अननेसेसरी बातचीत, गैर जरूरी बातचीत या मजाक नहीं करनी चाहिए, टू द पॉइंट कन्वर्सेशन रखनी चाहिए, फिजिकल गैप मिनिमम 1.5 फीट का जितना हमारा हैंड का डिस्टेंस होता है वो रखना चाहिए मेंटेन। ये बहुत जबरदस्त वीडियो है, वर्थ वॉचिंग, क्योंकि इसके अंदर जो है ना नुमान अली खान ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवाइस दी है कि हाउ टू डील विद अपोजिट जेंडर, और उसको जो है ना कवर किया। आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि 5 मिनट की वीडियो है लेकिन हर किसी को ये देखनी चाहिए ताकि आपको अपोजिट जेंडर के साथ जो गैप है वो आपको याद रहे कि किस तरह रखना चाहिए। बाकी इम्प्लीकेशन फॉर मुस्लिम मार्केटर्स है, ये भी अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर बेहे फैल जाए उनको आखिरत का दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दें। तो ये बड़ा सख्त वईद होती है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में तो हमें ढील दी हुई है, थोड़ा सा टाइम हमें मिला हुआ है, अभी हम जो मर्जी कर सकते हैं, और आजकल के दौर में तो हर बंदा ही मार्केटर है क्योंकि
आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप उस पर जो मर्जी स्टेटस लगा सकते हैं, आप फेसबुक पे जो मर्जी पोस्ट डाल सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप ऐसी पोस्ट नहीं डाल रहे अगर जिससे लोगों को सवाब मिले, तो कम से कम ऐसी भी ना लगाएं जिससे लोगों को गुनाह मिले, खैर की चीज जो है ना वो फैलाएं। तो मार्केटर्स के लिए इन पर्टिकुलरली एप्लीकेशन है कि फिजिकल और इमोशनल हिजाब दोनों का ध्यान रखें, उसकी लिमिटेशंस को, औरत को जो है ना वो चीजें बेचने के लिए ना यूज किया जाए बल्कि गैप रखें। पाकिस्तान में जे डॉट ब्रांड है, ये बिल्कुल भी वोमेन को नहीं यूज करता अपनी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में, और इस तरह और भी बहुत सारे ब्रांड्स की एग्जाम्पल्स हैं। बाकी इन जनरल टचिंग लाइफ के लिए आजकल के दौर में अनफॉर्चुनेटली गुना बढ़ता जा रहा है और हलाल चीजें जो है वो मुश्किल होती चली आ रही हैं, वरना जो हलाल फॉर्म है इमोशनल हिजाब की वो ऑब्वियसली निकाह की फॉर्म में अल्लाह तबरक व तआला ने रखी है, और इसको यानी उस सिर्फ लीगल मेथड ही से फुलफिल करना चाहिए, अदरवाइज ये होता है कि माशरे के अंदर बेहे फैल। इसमें इंतहाई अहम चीज दोस्ती की भी है, क्योंकि अल्लाह तआला ने ये भी सूरतुल फुरकान की 28वीं आयत, 25वीं सूरत है और उसकी 28वीं आयत के अंदर ये बताया है कि बाद लोग ऐसे होंगे जब दोजख में जल रहे होंगे तो वो कहेंगे काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता, कि मेरे पास तो नसीहत आ गई थी मगर उस दोस्त ने मुझे नसीहत से भटका दिया। तो अगर आपके इसमें ना, अब आपके लिए दो तरह के एनालिसिस है। पहली चीज ये कि हर बंदा अपना मुहासबा करे कि मैं किस किस्म का दोस्त हूँ दूसरों का, क्या मैं उनको खैर की तरफ बुलाता हूँ या बुराई की तरफ। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपके अपने सर्कल में किस तरह के दोस्त हैं। अगर तो कोई शख्स ठीक रास्ते पर आ सकता है जरूर उसकी इसलाह और खैर की फिक्र करे, अगर नहीं आ सकता तो फिर जाहिर है उसको अनफ्रेंड करें। एक शख्स का कॉल भी है कि मैं अपने दोस्तों को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, अगर तो वो चेंज है तो हो जाए तो ठीक है मैं उनको रखता हूँ, अगर वो चेंज ना हो तो मैं उनको चेंज कर देता हूँ यानी तब्दील कर देता हूँ, फिर उनसे दोस्ती खत्म कर देता हूँ। यही आप लोगों से भी सजेशन है। बाकी नेकी और खैर की चीजें फैलाते रहें, खैर का जो है ना मैसेज, जो प्रमोशन और मार्केटिंग हमें करनी चाहिए वो मुस्बत चीजों की करनी चाहिए, औरतों के जिस्मों को बेच के ये समझना कि ये चीजें बिक जाएंगी हमारी चंद टकोए कमाने के लिए जो है ना, ये इंतहाई ऑब्वियसली इनअप्रोप्रिएट हरकत है। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये एक दफा एक सहाबा का आता है, एक बड़ी दिलचस्प हदीस है कि हमें मशवरा दिया था, हम सारे यंगस्टर्स बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तुम में से जो अफोर्ड कर सकता है वाइफ उसको चाहिए निकाह कर ले, क्योंकि ये तुम्हारे लिए तुम्हारी ईमान की हिफाजत के लिए अच्छी चीज है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है उसे चाहिए कि वो कसरत से रोते रहे, क्योंकि रोजा रखना वो शहवत को गुनाहों के खिलाफ लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो अनमेरिड लोग जो है ना वो फिलहाल रोजे कसरत से रखे, उन्हें गुजारा गया। ठीक है, बाकी ये चैप्टर नंबर 10 की टर्म्स हैं।